बिग बॉस सीजन 18 में हो चुकी है विवियन डिसेना की एंट्री। आइए इनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो गाइस सबसे पहले इनके बर्थ डेट के बारे में बात करें। इनका जन्म हुआ था 28 जून 1988 में, यानी कि अभी की जो इनकी उम्र है वो है करंट 36। इनका जन्म हुआ था उज्जैन मध्य प्रदेश इंडिया में। इनका जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव चल रहा है 2008 से ही। इनके जो दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रोल्स रहे हैं वो रहे हैं सबसे पहले प्यार की एक कहानी वेम्पायर वाले शो में अभी रायचंद का करेक्टर इन्होंने प्ले किया था, बहुत ही ज़्यादा लोगों की तरफ से वो कनेक्ट हो गया था वो वाला जो करेक्टर था। उसके बाद इन्होंने एक रोमांटिक सीरियल मधुबाला कलर्स टीवी का ही शो था, उसमें भी ऋषभ कुंद्रा का करेक्टर प्ले किया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक करेक्टर है जिसने इनको फेम दी थी काफ़ी। इसके अलावा भी कई टीवी सीरियल्स कर चुकी हैं और अब इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 का पार्ट भी ये बन गए हैं। कुछ रियलिटी शोज़ का पार्ट भी रह चुके हैं। आगे चलकर इनके सारे टीवी सीरियल्स के नाम बताऊँगा। अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में पहले जान लें तो गाइज़ इनकी जो मदर है वो हिंदू हैं और इनके जो फादर हैं वो क्रिश्चियन हैं, जो कि पोर्टुगीज डिसेंट के हैं एक्चुअली। और ऑल्सो इनकी जो मदर हैं वो एक एथलीट थी एंड इनके फादर जो है वो एक फ़ुटबॉलर हैं। इसी करके जब 10 साल के थे तभी से इनको फ़ुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक है एंड ये बड़े होकर बनना भी फ़ुटबॉलर ही चाहते थे, लेकिन बन गए एक एक्टर एंड स्टिल आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ुटबॉल वगैरह खेलते हैं, मेस्सी रोनाल्डो के काफ़ी बड़े फ़ैन भी हैं। 2013 में इनकी शादी हो गई थी पहली बारी। प्यार की एक कहानी में इनकी को स्टार थी वहबीज डोरब जी, उनके साथ इनकी शादी हुई थी पहली। फिर इनका डिवोर्स हो गया था 2016 में और 2021 तक ये डिवोर्स फाइनल हो पाया था। फिर 2022 में विवियन डिसेना की शादी हो गई नोरन अली के साथ, जो कि एक इजिप्टियन जर्नलिस्ट हैं एंड ऑल्सो इनकी एक डॉटर भी है, इनकी एक बेटी भी है। तो गाइस कई लोगों को नहीं पता और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ भी हुई थी जब इन्होंने कन्वर्ट किया था, लेकिन इन्होंने रिलीजन की कन्वर्जन करी थी। इन्होंने 2019 में अपना रिलीजन कन्वर्ट करके इस्लाम कर लिया था एंड अब ये एक मुस्लिम है और इससे पहले ओरिजिनली ये एक क्रिश्चियन थे। इनके सारे टीवी सीरियल्स के बारे में अगर हम बात करें तो 2008 में इन्होंने कसम से सीरियल किया था, फिर 2010 में अग्नि परीक्षा जीवन की गंगा, 2010 से लेके 2011 तक प्यार की एक कहानी जहाँ से इनको मेन फेम मिलने लगा। उसके बाद अगला सीरियल था मधुबाला एक इश्क एक जुनून, 2012 से लेके 2014 तक ये सीरियल चला था। रियलिटी शो झलक दिखला जा किया इन्होंने 2015 में, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी का 7th सीज़न भी किया 2016 में, 2016 में 2019 तक शक्ति सीरियल भी इनको मिल गया जो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिला। 2021 से लेके 2022 तक इन्होंने कलर्स टीवी का सिर्फ तुम सीरियल भी किया एंड ऑल्सो रिसेंटली लास्ट वाला इनका जो सीरियल कलर्स टीवी के साथ लास्ट वाली कोलैबोरेशन थी वो थी 2023 में उड़ारियां सीरियल, जिसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले किया था। इसी के साथ इनकी कई स्पेशल अपीयरेंसेस भी दूसरे टीवी सीरियल्स में हो चुकी हैं, जैसे कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, उड़ान सपनों की, तू आशिकी, ससुराल सिमर का टू, बिग बॉस सीजन 15 एंड कई सारे अवार्ड्स भी ये जीत चुके हैं, जैसे कि ग्रेट परफॉर्मर ऑफ द ईयर मेल अवार्ड, इंडियन टेली अवार्ड्स में ये बेस्ट एक्टर इन अ लीड रोल भी जीत चुके हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो कि इनको मिल चुके हैं, भले वो इंडियन टेली अवार्ड्स के हों या फिर गोल्ड अवार्ड्स में हो। आज के समय में विवियन का नेटवर्थ 10 से 14 करोड़ के बीच है। इनकी जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग्स है वो ऑफ कोर्स टीवी सीरियल्स में इनके काम से है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए विवियन डिसेना को आप पसंद करते हैं या फिर नहीं। पर्सनली मुझे इनका वैम्पायर वाला रोल काफ़ी ज़्यादा पसंद था, वो शो को मैं काफ़ी ज़्यादा देखता भी था। और आने वाले टाइम में ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।